आज की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा जेम में आया एक क्वेश्चन जो कि जेम 2014 में पूछा गया था। क्वेश्चन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन ये है कि लेट टी फ्रॉम आर क्यूब टू आर क्यूब विद द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन व्हिच इज डिफाइंड बाय टी एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स व्हेयर एवरी एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर क्यूब एंड देन यू हैव टू चेक व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट। रैंक ऑफ ए इक्वल टू 0, नलिटी टी इक्वल टू 3, ऑप्शन बी इज रैंक ऑफ टी इक्वल टू 2, नलिटी टी इक्वल टू 1, option c is rank of t equal to 1, nullity t equal to 2 and option d is rank of t equal to 3 and nullity t equal to 0। तो question solve करने से पहले basics पे आते हैं। अगर आप भूल गए हो तो recall कर सकते हैं कि rank means dimension of rank space of t and nullity means dimension of kernel of t। okay, तो इसे solve करने के एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं, दूसरे approach भी हो सकते हैं। एक तो approach ये होगा कि आप इसकी nullity निकाल लीजिए, इसका kernel निकाल लीजिए, फिर कर्नल निकालने के बाद उसके डायमेंशन के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, या इसका रेंज देख लीजिए, रेंज स्पेस ऑफ टी कैसा दिखता है, फिर उसके डायमेंशन देख सकते हैं। या एक दूसरा अप्रोच हो सकता है जो कि ज्यादा इजी, मतलब ऐसे प्रॉब्लम जब भी है तो इजियर अप्रोच ये होता है, क्योंकि ये एंट्रेंस एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है, एमसीक्यू क्वेश्चंस है। तो बेटर अप्रोच ये है कि अगर आप ये ट्रांसफॉर्मेशन जो दिया गया है आपको उसके करेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स निकाले हैं, राइट, जस्ट फाइंड आउट द मैट्रिक्स करेस्पॉन्डिंग टू दिस ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पे चूंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कोई बेसिस दी नहीं गई है, मीन नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आपको यहाँ पे बेसिस के बारे में मेंशन नहीं किया गया है वेक्टर स्पेस की। यहाँ पे वेक्टर स्पेस आपका R³ है, बट बेसिस नहीं दिया गया है। तो जब आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के करेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स निकाल रहे हो तो बेसिस आप उसके यूजर बेसिस ले सकते हैं, और यूजर बेसिस लेकर मैट्रिक्स निकालना बहुत ही आसान है, ठीक है। तो आप मैट्रिक्स निकालने के बाद उसकी रैंक निकालना आसान है। सबसे इजी अप्रोच क्या है कि आप मैट्रिक्स को इक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस करें, इक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस करके उसके जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है उसे काउंट करें, वो आपको रैंक दे देगा। फिर रैंक निकालने के बाद आप रैंक नलिटी थ्योरम का इस्तेमाल करके नलिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। सो द स्टेप वन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द मैट्रिक्स करेस्पॉन्डिंग टू दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एंड सिंस बेसिस हैज नॉट बीन मेंशनड हियर सो वी कैन टेक द यूजर बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेसेस, ठीक है। तो आर क्यूब की यूजर बेसिस हम क्या ले लेंगे, 100 010 001, दोनों साइड आर क्यूब ही है तो नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम स्टेप वन क्या कहते हैं, फाइंडिंग मैट्रिक्स ऑफ टी, डब्ल्यू आर टी मीन्स विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल बेसिस ऑफ आर क्यूब, ठीक है। यूजर बेसिस क्या है लिख देते हैं एक बार, यूजर बेसिस क्या है आपकी 100 010 001, ठीक, यही आर क्यूब यूजर बेसिस है। तो मैट्रिक्स निकालने का अप्रोच क्या है, क्या तरीका है, पहले भी मैंने अपने लेक्चर्स पे डिस्कस किया हुआ है, चाहे तो आप देख सकते हैं, इसी सीरीज में आपको मिल जाएगा कि कैसे मैट्रिक्स से करेस्पॉन्डिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स निकालते हैं, ठीक है। तो उसका अप्रोच क्या होता है कि आप सबसे पहले ये जो बेसिस एलिमेंट्स दिए गए हैं आपको, आप टी ऑफ 100 निकालें। यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं 100 010 001, ये आपके आर क्यूब जो है जो डोमेन वेक्टर स्पेस है इसकी बेसिस है, ठीक है। तो इसकी बेसिस पे इमेज निकालते हैं, तो टी 100 जो है ये आपका कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको टी 100 की वैल्यू निकालनी है, ठीक, को डोमेन में चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पे को डोमेन डोमेन दोनों ही आर क्यूब है। तो टी 100 की वैल्यू निकालते हैं क्या है, इसके लिए आप पहले देखिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे डिफाइन किया गया है, x plus y, y plus z, z plus x। तो ये x, y, z इसको ऐसे ट्रीट कर सकते हैं, x को 1 ले सकते हैं, y को 0 एंड z को 0। तो x plus 5 means 1 plus 0, ठीक है, y plus z means 0 plus 0, ठीक है, एंड z plus x means 0 plus 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 101। सो टी 100 इज इक्वल टू 101। इसी तरीके से आप टी ऑफ 010 निकालें एंड टी ऑफ 001 दोनों निकालेंगे, ठीक है। तो टी ऑफ 010 क्या आ जाएगा, 010, यहां पे x0, y1 एंड z 0। तो 0 x plus y means 0 plus 1, y plus z means 1 plus 0 एंड z plus x means 0 plus 0। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 1, 1, 0, ठीक है। इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं t of 001। अब यहाँ पे x 0, y 0 एंड z is 1। तो t of 001 क्या हो जाएगा आपका, x plus y means 0 plus 0, y plus z means 0 plus 1
and z plus x means 1 plus 0. So finally what you got? 0, 1, 1. तो ये तो थी आपकी वैल्यूज बेसिस एलिमेंट पे, यहाँ पे डोमेन वेक्टर स्पेस R क्यूब है उसकी बेसिस ये है, इसकी इमेज निकाल लिया हमने, मतलब हमने टी ऑफ 100 निकाल लिया, टी ऑफ 010 निकाल लिया और टी ऑफ 001 निकाल लिया। ये आपका स्टेप 1। स्टेप 2 क्या है? अब ये जो टी ऑफ 100 है ये रेंज ऑफ टी है, तो ये आपके कोडोमेन में चला गया। अब टी ऑफ 100, टी ऑफ 010, टी ऑफ 001 ये कोडोमेन में आया, ठीक है, कोडोमेन में यहाँ पे R क्यूब ही है। तो अब इसे हमने क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, कि ये जो T100 है जो कि आपका 101 आया है, इसे कोडोमेन में जो वेक्टर स्पेस है उसकी बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं, और लीनियर कॉम्बिनेशन जब लिखते हैं तो जो कोफिशिएंट्स आता है उसे कलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम 101 को कोडोमेन वेक्टर स्पेस क्या है R क्यूब, ठीक है, इसकी बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लेना है। अब बेसिस तो हमने यूजर बेसिस ली है, तो ये लिखना बहुत ही आसान है, तो इसको मिटा देते हैं। तो 101 को R क्यूब की बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, तो बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 टाइम्स 100, ठीक है, प्लस 0 टाइम्स 010 प्लस 1 टाइम्स 001, है ना। देखिए ये क्या आ जाएगा 101। अब इसी तरीके से इसको देखिए, T ऑफ 010 जो कि आपका 110 है, इसे कोडोमेन वेक्टर स्पेस जो कि R क्यूब ही है उसकी भी बेसिस यही है, तो उसकी भी बेस, तो उसके लिए कॉम्बिनेशन लिखेंगे, मतलब बेसिकली इसी के लिए कॉम्बिनेशन लिखेंगे, तो क्या आएगा 1 टाइम्स 100 प्लस 1 टाइम्स 010 प्लस 0 टाइम्स, इसको तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत अच्छा। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। अब T ऑफ 001 व्हिच इज 011, इसे भी इसी के लिए कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा, दिस इज 0 टाइम्स 100 प्लस 1 टाइम्स 010 प्लस 1 टाइम्स 001, ठीक है। अब यहां पे डोमेन को डोमेन दोनों की बेसिस सेम थी, इसलिए ही ऐसा हो रहा है। अगर मान लीजिए कोडोमेन आर क्यूब की बेसिस कुछ और दी गई होती तो यहां पे हमें हमारे कुछ और एलिमेंट होते, ठीक है, बट कोई बात नहीं, जब नहीं मेंशन किया तो अब यूजर बेसिस से काम चलाइए, ज्यादा आसान हो जाता है। अब जब आपने ये कर लिया है तो आप स्टेप 2 पे मैट्रिक्स लिख सकते हैं। मैट्रिक्स जो लिखते हैं वो कैसे होता है, मैट्रिक्स ऑफ T क्या होगा आपका, मैट्रिक्स ऑफ T ये लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये जो कोफिशिएंट्स आए हैं, ठीक है, ये 101 ये उस मैट्रिक्स की पहली कॉलम बन जाएंगे। ये कोफिशिएंट क्या है, 110 ये मैट्रिक्स की क्या बन जाएंगे, सेकंड कॉलम बन जाएंगे, एंड 011 ये मैट्रिक्स की थर्ड कॉलम बन जाएगी। मतलब जो मैट्रिक्स आपका बनेगा वो ऐसा बनेगा, 101 101 110 110 and 011 011, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स आ गया है तो हम इसको नेक्स्ट स्टेप में इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करके इसके रैंक निकालेंगे, जो बहुत आसान है। यहाँ पे तो मैंने इतना दिखाया है इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन अगर इन जनरल अगर आप करेंगे सॉल्व तो इसको करने में टाइम नहीं लगना चाहिए, आप तुरंत निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फिर से मैं इसे क्लियर करता हूँ, फिर मैट्रिक्स लिखेंगे हम। ठीक है, तो आपकी मैट्रिक्स को फिर से एक बार लिख देते हैं। मैट्रिक्स आपने जो निकाला है वो निकाला है 110 011 and 101, ठीक है। अब क्या करना है, मैट्रिक्स आ गए, अब मैट्रिक्स की रैंक निकालना बहुत आसान है। इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगा के इसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाना है तो हर रो का पिवोट आइडेंटिफाई कर लीजिए, इस रो का ये है, सेकंड रो का ये है, थर्ड रो का पिवोट ये है, ठीक। तो यहाँ पे हमें जीरो बनाना है पहले, तो आप ऑपरेशन क्या लगा सकते हैं, R3 goes to R3 minus R1, ठीक है। तो देन दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 110 011, अब R3 goes to R3 minus R1 अगर करते हैं तो क्या होगा, 1 goes 1 minus 1 is 0, 0 minus 1 is -1 एंड 1 minus 0 is again 1, ठीक है। अभी भी मैट्रिक्स इक्वल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुई है क्योंकि यहाँ पे सेकेंड रो का पिवोट ये है, आपको इसके नीचे जीरो बनाना है, तो आप यहाँ पे जीरो चाहते हैं तो क्या लिख, आप ऑपरेशन लगा सकते हैं R3 goes to R3 plus R2, इसकी हेल्प से जीरो बनाना है, ठीक।
तो नई मैट्रिक्स क्या आ गई आपकी 1 1 0 0 1 1 and 0 plus 0 0 minus 1 plus 1 is 0 and 1 plus 1 is 2. ठीक है, ये मैट्रिक्स जो है इज इन इक्लॉन फॉर्म. आपको पता होगा कि अगर मैट्रिक्स इक्लॉन फॉर्म में है तो उसकी रैंक क्या होती है, उस मैट्रिक्स की नॉन जीरो रोज की काउंटिंग, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ऑफ द मैट्रिक्स इन इक्लॉन फॉर्म इज इट्स रैंक. ठीक है, तो यहां भी देखिए तीनों ही रो जो है वो नॉन जीरो रो है, तो इनकी काउंटिंग क्या 1 2 3. तो आप कह सकते हैं कि रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू, ये जो मैट्रिक्स है इज इक्वल टू 3. तो आपकी रैंक अगर 3 आ गई तो आपकी नलिटी क्या होगी, आप रैंक नलिटी थ्योरम आपको पता होगा, बाय रैंक नलिटी थ्योरम रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी टी इज इक्वल टू जो आपका कोड ओमेगा वेक्टर स्पेस है उसकी डायमेंशन, यहाँ पे आर क्यू है उसकी डायमेंशन क्या है 3. आपने रैंक टी निकाला है 3, तो आपकी नलिटी टी क्या हो जाएगी 3 minus 3 is equal to 0. तो आपने रैंक निकाला 3 एंड नलिटी क्या निकाला 0, तो कौन सा ऑप्शन बच रहा है, रैंक टी इक्वल टू 3 नलिटी टी इक्वल टू 0, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं आपके एग्जाम में, आप अक्सर देखें एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आप पूछे गए. आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो ये बदलता रहेगा, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिफरेंट वेक्टर स्पेस मिलेंगे, डिफरेंट टाइप से टी डिफाइन किया होगा और आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, इसी में दूसरे क्वेश्चन जुड़ सकते हैं, जैसे टी वन वन है कि नहीं, टी ऑन टू है कि नहीं. अब जैसे यहाँ पे नलिटी टी इक्वल टू 0 आ गया, आपको पता होगा इट इज 1 1 इफ एंड ओनली इफ नलिटी टी इक्वल 0 या कर्नल टी इक्वल 0, इसका मतलब यहाँ से ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या इट इज 1 1 और डोमेन कोडोमेन दोनों ही सेम है, तो टी वन वन है तो टी ऑन टू भी हो गया. तो बहुत सारे क्वेश्चन पे बनते हैं, ये हम कंटिन्यू रखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में जो क्वेश्चन इस टाइप के भी जो है वो सारे हम कवर करेंगे. सो प्लीज स्टे इन टच, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.